हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो, जो भी मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख रहे हो। सो इस वीडियो को हम बनाएंगे काइन मास्टर ऐप से, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। सो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप जो है काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये जो काइन मास्टर हर एक फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता, तो ये आपका मर्जी है, आप देख लेना। ओके, अब गाइस बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। गाइस, सो इस प्रकार से काइन मास्टर में आना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने वाले, यहाँ पे सेकंड नंबर का साइज सेलेक्ट करना है, नीचे जाने के बाद फिल करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इमेज पे क्लिक करना है, और एक ब्लैक कलर का इमेज सेलेक्ट करने बाद डन करना है। फिर से मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। ओके, सो आपको कितना फोटो सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको फोटो सेलेक्ट करना है 11, कितना 11। सो गाइस, आपको 11 फोटो सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना। ओके, फिर आपको शुरू में आना, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और ये जो है लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आपको ये लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है, मैं एडिट कर लेता हूँ। अब लिरिक्स एडिट करने के बाद इसका साइज बढ़ाना है, इसका ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन करना है, और इसका जो स्ट्रैक ऑडियो यहाँ से निकाल लेना। ओके, इसको निकालने के बाद अब गाइस क्या करना है, अब यहाँ पे देखो हमारा पहला बीट है, यहाँ पे आपको सॉन्ग में बीट देखना है। ओके, सो यहाँ पे पहला बीट है हमारा जो है 4.4 सेकेंड पे। ओके, अगला जो बीट है वो है 5.4 सेकेंड पे, तो आपको यहाँ पे ट्रिम कर देना। यहाँ पे आपको छोटा सा बीट दिखाई दे रहा होगा सॉन्ग में एंड में, ये आप लोग देख सकते हो, यही हमारा बीट है। फिर आपको आगे जाना है। ओके, सो फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे जो है अगला बीट यहाँ पे है 6.9 सेकेंड पे। ओके, मतलब समझ सकते हो 7 सेकेंड, लेकिन 6.9 सेकेंड पे ही आपको ट्रिम करना है इस बीट पे। ओके, यहाँ पे आपको ट्रिम कर देना है, फिर आगे जाके यहाँ पे छोटा सा बीट है। ओके, सो एक बीट यहाँ पे है फिर 8.5 सेकेंड पे, और अगला बीट छोटा सा यहाँ पे है जो है 9.5 सेकेंड पे। तो ये बीट को आपको देख देख के अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना। ओके, सो इस प्रकार से आपको ट्रिम यहाँ से करते जाना है, इसी प्रकार से आपको सभी इमेज को ट्रिम कर लेना। ये देखो, ये भी हमारा बीट है 12.6 सेकेंड पे जो है, और इधर भी हमारा बीट है 13.6 सेकेंड पे। ओके, आगे यहाँ पे एक बीट है, ये बीट है, उसके बाद समझ सकते हो इधर हमारा वीडियो ख़त्म। ओके, तो हमारा इमेज जो है वो पूरा हो चुका है, इसका मतलब मैंने सही ट्रिम किया। ओके, अब गाइस क्या करना है, यहाँ पे आना है और लिरिक्स में यहाँ पे कट लगा के इसको नीचे साइड कर देना है। ओके, और पहले स्ट्रैक ऑडियो आप निकाल लेना, देख लेना कि स्ट्रैक ऑडियो आपने निकाला है या नहीं, उसके बाद आपको लिरिक्स में कट लगाना। ओके, इस प्रकार से इसको नीचे साइड रख देना है इस प्रकार से। अब गाइस क्या करना है, हमें दो इफेक्ट वेट करना है इमेज में आपको। सो अपने इंटरनेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक हुआ, आप इस पर क्लिक करना है, बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है आपको। ओके, सो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनिमेशन करके, तो एनिमेशन में आपको ओवरऑल एनिमेशन 1 और ओवरऑल एनिमेशन 2 आपको मिल जाएगा। ओके, सो आपको ये दोनों को डाउनलोड कर लेना है। अब इसको एडिट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ओवरऑल एनिमेशन 1 से सिलेक्ट करना है जो कि 11 नंबर वाला, उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन 2 से आपको सिलेक्ट करना है 12 नंबर वाला। ओके, सो फिर से आपको ओवरऑल एनिमेशन 1 से 11 नंबर वाला। ओके, सो फिर से आपको ओवरऑल एनिमेशन 2 से 12 नंबर वाला। सो इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है 11 नंबर 12 नंबर करके। तो ये देखो गाइस, ओवरऑल एनिमेशन 1 11 नंबर वाला सेलेक्ट किया मैंने, और ओवरऑल एनिमेशन 2 से 12 नंबर वाला। ओके, सो आपको इसी प्रकार से सेलेक्ट करना है, जैसे मैं वीडियो को बनाया ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ओके, सो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। अब गाइस मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से 11 नंबर वाला सेलेक्ट करता हूँ। ओके, आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करते जाना, सभी में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसमें 1 से 11 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर इसमें 12 नंबर वाला 2 से। ओके, सो ये दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हो काइन मास्टर से ही, बीट सेंस की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये काइन मास्टर में आपको ऑलरेडी मिल जाता है, सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना ऐड करने के बाद यहाँ पे आना है, जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पे जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन आपको ये साइड इमेज को एड करना है,
और इस प्रकार से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है आपको साइड वे इमेज को। ओके सेंड टू बैक कर, थोड़ा इसको नीचे साइड रखना है इससे कि आपका जो इमेज है ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ना हो, और इसको सही से एडजस्ट करना है। ओके इस प्रकार से करने के बाद अब गाइस क्या करना है, फिर से शुरू में आना है, शुरू में नहीं आना है, जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है वहाँ पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन आपको ये लाइट इफेक्ट वीडियो को एडिट कर लेना है। ओके सो ये लाइट इफेक्ट वीडियो को आपको एडिट कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साइज इस प्रकार से बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से। ओके और इसका ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देना है, इसका ऑडियो होगा कोई इसको म्यूट कर देना है आपको। ओके सो इस प्रकार से आपको ऑडियो म्यूट कर देना है। तो इस प्रकार से हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। सो इसी के साथ हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो चुकी है, मैं वीडियो को थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बनाए। सो देख सकते हो वीडियो देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।